तो अभी मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास डेमो, और इसके अंदर मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ जो कि होगी पब्लिक वॉइड डेमो। अभी इस मेथड के अंदर मैं प्रिंट करूंगा डेमो मेथड। उसी तरह अभी मैं एक और क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास चाइल्ड, जो कि एक्सटेंड करेगा डेमो क्लास को, और उसी के अंदर मैं डेमो मेथड को ओवरराइड करूंगा और इसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा डेमो मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास। तो अगर मैं यहाँ पे डेमो मेथड को ओवरराइड करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली एनोटेशन यूज करूंगा ओवरराइड। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे लिखने से क्या होगा कि हम ये एनोटेशन के बाद जो भी मेथड लिखेंगे तो जावा को ये बताएंगे कि हम ये मेथड को ओवरराइड करना चाहते हैं जो कि उसके सब क्लास के अंदर है। तो अभी मैं यहाँ पे डेमो मेथड का नाम भी चेंज करता हूँ तो हमें यहाँ पे एरर मिलेगी और हमें यहाँ पे याद करवाएगा कि हम यहाँ पे मेथड को ओवरराइड करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सेमी मेथड लिखेंगे जो कि सब क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसलिए एनोटेशन का यूज करते हैं जो कि ऑप्शनल है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मेन मेथड के अंदर जो सुपर क्लास है डेमो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो। और अभी मैं इस ऑब्जेक्ट से डेमो मेथड को कॉल करवाता हूँ। तो अभी मैं इसको रन करवाऊँ तो ये देखिए अभी हमारी डेमो मेथड कॉल हो रही है जो कि डेमो क्लास के अंदर अवेलेबल है। तो अभी मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास की डेमो मेथड को कॉल करवाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जो कि मैं रेफरेंस दूंगा डेमो क्लास के अंदर। तो अभी मैं इसको रन करूँ तो अभी हमारी डेमो मेथड जो कि चाइल्ड क्लास के अंदर है वो कॉल हो रही है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे डेमो मेथड को ओवरराइड करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली सिंगल टाइम डेमो मेथड को कॉल कर रहा हूँ हमारे मेन मेथड में। तो मुझे यहाँ पे चाइल्ड क्लास को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं पहले सुपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और उसके बाद कर्ली ब्रेसिस लिखूंगा, देन उसके अंदर ही मैंने जो डेमो मेथड डिफाइन की हुई है उसको मैं सिंपली पेस्ट करवा दूंगा। तो अभी हमें यहाँ पे इस क्लास की जरूरत नहीं है। अभी मैं इस कोड को रन करता हूँ तो ये देखिए अभी भी हमारे ये मेथड रन हो रही है, ना कि हमारे डेमो क्लास की मेथड। तो यहाँ क्या किया है कि हमारा रूट क्लास है एनोनिमस क्लास, उसके अंदर ही हमने यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर दिया है। तो मैंने आपको नेस्टेड क्लास के अंदर बताया हुआ था कि नेस्टेड क्लास के टोटल तीन टाइप है, एक है नॉर्मल इनर क्लास, दूसरा है स्टेटिक इनर क्लास और तीसरा है एनोनिमस इनर क्लास। तो इस तरह के क्लास को हम एनोनिमस इनर क्लास कहते हैं और इस तरह से क्लास क्रिएट करने से हमें यहाँ पे अलग से क्लास क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा, यानी कि इसके अंदर मैं कुछ डिफाइन नहीं करूंगा। अभी इसको रन करूँ तो भी हमारा डेमो मेथड चाइल्ड क्लास ही कॉल हो रहा है। उसी तरह अभी मैं इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक। अभी हमने डेमो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया है और उसके अंदर डेमो मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के वीडियो में बताया हुआ था कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन हमने तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो हम एनोनिमस इनर क्लास की मदद से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हमने जो भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया हुआ था उसको भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको रन करूँ तो भी हमारा आउटपुट सेम ही आएगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करता हूँ तो उसके लिए मुझे क्लास कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ऑब्जेक्ट किया था और एनोनिमस क्लास की मदद से मेथड को डिफाइन की थी, उसी तरह हम यहाँ पे इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और जो भी मेथड हमने यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है उसको हम यहाँ एनोनिमस इनर क्लास की मदद से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको रन करूँ तो भी हमारा आउटपुट सेम रहेगा और इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करो ना करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की ओर भी जाएंगे तो वहां पे भी आप एनोनिमस इनर क्लास का ज्यादा यूज करेंगे और ये हमारे एक कोड को एक क्लीन लुक देता है। तो ये था हमारा थर्ड इनर क्लास टाइप, एनोनिमस इनर क्लास। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।